बच्चों हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्लास 11th के 12th चैप्टर की, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन आधारभूत सिद्धांत और तकनीकें, जिसमें हम नामकरण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। एल्केन और एल्किन के नामकरण आप पढ़ चुके हैं, आज की कक्षा में हम बात करेंगे एल्काइन के नामकरण किस प्रकार से किए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ भी अलग नहीं है, सेम चीज़ है, फॉर्मूले आपको सेम याद रखने हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम आप किस प्रकार से लिखेंगे, याद होना चाहिए सर, स्थिति संख्या एल्क और उसके पीछे क्या लगाया जाता है, वाई एल लगाया जाता है, चेंज सिर्फ इस वाली जगह पर होगा, वो भी कहाँ पर, लास्ट में, ठीक है। एल्क स्थिति संख्या और उसके बाद में वाई एन ई यदि आप इंग्लिश में लिखते हैं, और हिंदी में लिखते हैं तो आइन आपको वहां पे लगाना है, ठीक है। अच्छा जी, आपके सामने दिया हुआ है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अच्छा, एल्काइन का मतलब क्या हो गया, पहले जान लो, तीन बॉन्ड है, ठीक है। एथाइन लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसको एथाइन नाम क्यों दिया गया ये भी समझ लो। अच्छा, कितने कार्बन है, तो आप बोलेंगे एक दो कार्बन। क्या प्रतिस्थापी है, क्या नहीं है प्रतिस्थापी है, क्या बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्रतिस्थापी नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ मुख्य श्रृंखला की बात करेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला की बात करेंगे। एल्क कितना है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे दो कार्बन है, यानी कि क्या आना चाहिए, मेथ या फिर एथ, तो आप बोलेंगे सर एक कार्बन के लिए तो क्या आता है, मेथ आता है, और दो कार्बन के लिए क्या आता है, एथ आता है, ठीक है, इतनी बात। चलो जी, तो आप देखेंगे यहाँ पे दो कार्बन है आपके पास में, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, एथ लगाएंगे, और उसके बाद में स्थिति संख्या की बात करेंगे। क्या सर, बोलो भाई, इधर से भी एक नंबर मिल रहा है, इधर से भी यहाँ पे बात करें, इधर से भी एक नंबर, और इधर से चलते हैं, जब भी यहाँ पे एक नंबर मिल रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लगा दो क्या यहाँ पे, एल्क प्लस आइन, एथाइन इसको हम यहाँ पे बोल देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करना चाहेंगे, देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे तीन कार्बन है, तीन कार्बन की यदि बात आती है तो हम यदि श्रृंखला को चयन करना चाहें तो हम क्या इधर से करेंगे, क्या नहीं, इधर से करो, ठीक है, एक दो तीन, कितने कार्बन, तीन कार्बन, तो नाम क्या होगा, प्रोपाइन, 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 तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन। अगली हम बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो यदि एक दो तीन चार, अच्छा सर इसका नाम क्या ये भी लिखा जा सकता है, क्या प्रोप वन आइन, बोलो भाई, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसकी यदि हम बात करते हैं तो एक दो तीन चार, चार कार्बन है, ब्यूट लिखा जाएगा। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड कितने पे है, एक नंबर पे ही आ गया, तो ब्यूट वन आइन इसका नाम लिख दिया जाएगा। आगे बढ़ो, आगे यदि देखा जाए इसमें, तो इधर से देखो एक दो तीन चार, तो आप देखो यहाँ पे प्रतिस्थापी की तो बात हम कर ही नहीं रहे, ठीक है, सिर्फ मुख्य श्रृंखला को देखो, कितने कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन बोले तो ब्यूट। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, एक और दो नंबर पे आ रहा है, इधर से भी करेंगे तब भी दूसरे नंबर पे ही आएगा, यानी कि ब्यूट टू आइन इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, इसकी हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा सर ऐसे कर लो, ऐसे है ना, ऐसे कर लो, लेकिन यदि आप ऐसे कर यहाँ पे सेलेक्ट करते हो श्रृंखला को, तो यहाँ पे भाई जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो चार नंबर पे चला गया। भाई ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे पहली प्रायिकता, यहाँ पे प्रायोरिटी दो, कितना हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच, पाँच का मतलब पेंट, ठीक है। उसके बाद में कितने पे आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर वन पे आ रहा है, और ये आइन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये इसका नाम यहाँ पे हो गया। क्लियर इतनी बात, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः। अच्छा, इधर से देखते हैं, जब भी कितने पे आ रहा है, ये तीन पे आ रहा है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड को हमें देखना है, ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम अंक कहाँ से मिल रहा है, तो आप देखो यहाँ पे कि सर जो छः कार्बन है, छः कार्बन का मतलब क्या हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर हेक्स, ठीक है। अच्छा, कितने पे आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर तीन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे पीछे क्या लगा देंगे, आइन लगा देंगे, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मज़ा आ रहा होगा, है ना। अभी धीरे धीरे करके जो बड़े बड़े हैं ना नामकरण, उनको भी हम देखेंगे, अभी तो सिर्फ मैं सिंपल सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, अभी क्रियात्मक समूह के बारे में बिल्कुल 1% बात नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि सर छोटी छोटी चीज़ें याद होगी तभी तो जा करके बड़ी बड़ी चीज़ों की ओर बढ़ेंगे। तो अगली क्लास में थोड़ी सी बड़ी चीज़ें, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा कर देंगे, विशेष प्रकार के जो नामकरण हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड, कीरोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब चीज़ें आप सुनी होगी ना पहले, है ना, देखी ना देखी लेकिन सुनी तो होगी, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। तो अगली क्लास में विशेष प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा, तो अगली क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।